आज मेरा बेटा चाउमीन बनाने जा रहा है। उसी ने एक तरफ पानी चढ़ाया हुआ है बॉयल होने के लिए और एक तरफ कढ़ाई चढ़ाया हुआ है चाउमीन बनाने के लिए। अब पानी में बॉयल होने के लिए चाउमीन डालिए बेटा, नूडल्स। और एक बार उसको अच्छे से मिला दीजिए फॉक से। बस हो गया। कढ़ाई में 3 चम्मच रिफाइंड डाली। तीन चम्मच के लगभग में बस हो गया। और प्याज डाली। इसके बाद मसाला रेडी कर लीजिए आप। कटोरा में सिंपल सा तरीका बता रही हूँ, बनाने में जल्दी जल्दी बन जाएगा। सबसे पहले 2 चम्मच केचप, 2 चम्मच के लगभग में केचप। बस हो गया। 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच से ना पी तो इससे ज़्यादा गिरेगा। बस 2 चम्मच वेनेगर, 1/2 चम्मच 2 चुटकी के लगभग में अजीनोमोटो। देखिए टाइमिंग नहीं पड़ेगा, अजीनोमोटो इतना पड़ जाएगा, डाल दीजिए इसमें। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि चिली सॉस नहीं डाला जा रहा है इसीलिए। और 1 चम्मच चाउमीन मसाला, रुको चालू हुआ, और 1 चम्मच चाउमीन मसाला और 1 चम्मच नमक। आधा चम्मच और डालू बस। और 1 चम्मच भर के लहसुन मिर्चा का पेस्ट। अब इसमें थोड़ी सी पानी मिला के पेस्ट बना लीजिए। 1 चम्मच और पानी। अच्छा, नूडल्स को मेरे बेटे ने नूडल्स धो के रख लिया और मैं बोली हूँ कि पानी में ही रहने देने के लिए, ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं, डायरेक्ट पानी से निकाल के ही कढ़ाई में चला जाएगा वो। अब आप प्याज की तरफ ध्यान दीजिए, तेज आंच पर उसको 1 मिनट तक चलाइए। एक मिनट में प्याज रेडी हो जाएगा। बस थोड़ा सा कलर चेंज होने का, कच्चापन निकल जाना चाहिए प्याज का, बस इतना ही। अब प्याज हो चुकी है, अब उसमें मसाला डालिए आप।
थोड़ी सी पानी दे करके उसका मसाला सब अच्छा से निकाल के डाल दी थी चम्मच से चला के। उसको चलाइए, आधा मिनट पकने के बाद उसमें नूडल्स चला जाएगा। अब 30 सेकेंड हो गए, अब उसमें नूडल्स डालिए, डायरेक्ट पानी से ही निकाल करके डालिए छान के फॉर्क की सहायता से। हाँ डालिए डालिए, सारे नूडल्स उसी तरह करके डाल दीजिए। सारे नूडल्स कढ़ाई में चले गए हैं और फॉर्क की सहायता से इसको अच्छे से मिला लीजिए बढ़िया से चारों तरफ से। बस हो गया, अच्छे से मिल गया है। अब इसको ढक दीजिए ताकि सब मसाला नूडल्स सब एक साथ हो जाए, थोड़ा क्रीमी क्रीमी ये होगा ढक के बनाने से, सूखा सूखा नहीं होगा ये। और फ्लेम थोड़ा कम कर दीजिए, एकदम लो मीडियम। अब बस 2 मिनट हो गए हैं, अब ये नूडल्स का ऐसा कलर आया है, बहुत देखने में तो अच्छा लग रहा है। प्याज के समय में ही मतलब अपने पसंद का जो सब्जी हो, बीन शिमला वगैरह